नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। इस एपिसोड में हम ओशो ज़ेन टैरो के थर्ड कार्ड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम इनर वॉइस है। और जैसे कि हमने बात करी है कि जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड है वो इन कंपैरिजन टू राइडर वेट टैरो कार्ड है, तो थोड़ी सी बात राइडर वेट की। सबसे पहले जो थर्ड कार्ड है राइडर वेट का, वो है दी हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है राइडर वेट टैरो के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हाई प्रीस्टेस टैरो का जब कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो उसका ये इंडिकेशन है कि दैट यू आर कनेक्टेड विद योर इनर वॉइस, यू आर कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन, यू आर कनेक्टेड विद योर डार्क साइड एंड योर लाइट साइड, यू आर कनेक्टेड टू योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो जब भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, वो आपको जो है मैसेजेस दे रहा है, वो आपको गाइडेंस दे रहा है, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू जो है आपको डायरेक्शन दे रहा है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। सो जब हम हाई प्रीस्टेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंट्यूशन की, दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, दैट यू आर समवन हु इज़ कनेक्टेड विद योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो ये थी बात राइडर वेट टैरो की। अब हम बात करेंगे ओशो ज़ेन टैरो की। जो थर्ड कार्ड है वो है दी कार्ड ऑफ इनर वॉइस। तो एज अ कंपैरिजन वी कैन ऑलरेडी सी दैट बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ मैच करती है। राइडर वेट की जो अप्रोच है वो बाहर की प्रिडिक्शन को लेके ज़्यादा है, वो बाहर की दुनिया को लेके ज़्यादा है। हालांकि जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो वो भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल टूल है। लेकिन जब हम ओशो ज़ेन टैरो की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्योरली टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। And as I said before, ki this is a tool which you should use for your inner journey, for your spiritual journey, not for prediction. So, jo iska outcome hai, jo iski interpretation hai, wo, it's very spiritual. It is talking about the inner world, it is not really talking about the outer world. So, jisko hum inner voice kehte hain, wo voice kuch aisi hai jo aapke bheetar sada se hai. Aur ye voice kuch aisi hai jiska koi sound nahi hai. It's like a soundless sound. Ek aisi bhasha mein aapse baat की जा रही है जिसकी कोई भाषा नहीं है, जिसका कोई साउंड नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसको हम कहते हैं दी साउंडलेस साउंड, एक हाथ की ताली। ऐसा साउंड जो सदा से आपके भीतर है, ऐसा साउंड जो कि यूनिवर्स में सदा से व्याप्त है, वैसा साउंड जिसको आप अपने भीतर, जो आपको, जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं, दैट इज़ द साउंड विच इज़ दी वॉइस ऑफ इनर वॉइस। तो जब भी इनर वॉइस जो है बात करती है, वो बात करती है साइलेंस में, और जब भी वो बात करती है वो सच्चाई के बारे में बात करती है। वो एक ऐसा ओरेकल है जो कि सच्चाई के बारे में ही बोलता है, क्योंकि जब भी ओरेकल बोलेगा वो सच ही बोलेगा। तो इनर वॉइस जो है, जिसको हम कहते हैं, वो आपके डार्क साइड और लाइट साइड दोनों के साथ कनेक्टेड है। क्या है डार्क साइड और लाइट साइड? डार्क साइड जो आपका डीप अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, और लाइट साइड क्या है? जो आपका कॉन्शियस माइंड है। ज़िंदगी जो है, जो लाइफ जो है, वो दो हिस्सों में बटी हुई है, डार्कनेस एंड लाइट, गुड एंड बैड, मेल एंड फीमेल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इन दोनों एस्पेक्ट्स के सहारे जो है पूरी ज़िंदगी चलती है। ज़िंदगी का खेल ही पूरा जो है इस दो के ऊपर आधारित है। अगर हम अपने भीतर भी देखें तो हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं, मेल एंड फीमेल। जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो हमारे राइट हैंड के साथ कनेक्टेड है, जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्टेड है। जो हमारा राइट ब्रेन है दैट इज़ द फेमिनिन साइड, द लेफ्ट ब्रेन इज़ द मैस्कुलिन साइड। अगर हम बाहर की दुनिया में देखें तो बाहर की दुनिया में जो मेल ब्रेन है वो बहुत ताकतवर है, उसको हमने बहुत अच्छे से उसको एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग बना रखा है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल ब्रेन की, जो हमारा फीमेल साइड ऑफ द ब्रेन है, उसको हमने इतनी ज़्यादा ताकत नहीं दी है। ये वो साइड है जो आपकी क्रिएटिव साइड है, जो आपकी फेमिनिन साइड है, जो आपकी लविंग साइड है। बाहर की दुनिया में इसका कोई स्कूल नहीं है, बाहर की दुनिया में इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। ये सारी एजुकेशन जो है आपको इसकी जो है अपने भीतर से मिलती है। जो भी ग्रोथ जो है जो फीमेल ब्रेन में होती है, वो आपके खुद के प्रयास से, खुद की मेडिटेशन से, खुद के ध्यान से जो है उसके अंदर ग्रोथ हो पाती है। तो जब इनर वॉइस का जब आपको ये कार्ड आ रहा है ओशो ज़ेन टैरो में, उसमें मैसेज आपको ये आ रहा है कि दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योर मेल एंड द फीमेल ब्रेन, यू नीड टू कनेक्ट अ ब्रिज बिटवीन द मेल एंड द फीमेल ब्रेन। एक सिंक होना इम्पॉर्टेंट है, एक ब्रिज होना इम्पॉर्टेंट है, एक यूनिटी होना इम्पॉर्टेंट है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के थ्रू एक स्थिति ऐसी बनती है जब आपका मेल और फीमेल ब्रेन एक सिंक में होता है,
एक तरह का कनेक्शन, एक तरह का ब्रिज दोनों के बीच में बनना शुरू होता है। और जब ये ब्रिज क्रिएट होता है तब आपका इनर वॉइस जो है और क्लैरिटी के साथ जो है आपको सुनाई देना शुरू होता है। और इनर वॉइस है क्या? इनर वॉइस है आवाज़, सच्चाई की आवाज़ जो आपको गाइड करती है सही रास्ते पे जाने के लिए, वो आवाज़ जो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन देती है आपकी लाइफ के लिए। ये वो आवाज़ है जो एक बच्चे की आवाज़ भी हो सकती है, और ये वो आवाज़ भी हो सकती है जो कि एक बहुत सीरियस वॉइस भी हो सकती है। इसके अंदर इनोसेंस और मैच्योरिटी दोनों इकट्ठे साथ साथ है। इसमें बच्चे की इनोसेंस और एक बूढ़े की मैच्योरिटी दोनों ही इकट्ठे साथ साथ है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टुगेदर। जब हम लाइफ की बात करते हैं, देर इज कॉन्स्टेंट साउंड विच इज़ ऑल अराउंड अस। अगर हम बाहर संसार में देखें तो कॉन्स्टेंट एक शोर, एक ट्रैफिक, एक नॉइस का एक ट्रैफिक हर वक्त आपके आसपास है चारों तरफ, और वो शोर हर तरफ से है। जितना आप उस शोर के साथ कनेक्ट होते हैं, जितना आप उस शोर के साथ जुड़ते हैं, उतने जो है आप इम्प्योर हो जाते हैं, उतना जो है अपनी इनर वॉइस से दूर चले जाते हैं। और जितना आप जो है उस बाहर के शोर के साथ जो है एक डिस्टेंस जब आप क्रिएट करना शुरू करते हैं, एक गैप जब आपके बीच में आना शुरू होता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर इनर वॉइस। वो वक्त ऐसा है जब आप अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं, और आपकी इनर वॉइस आपको हर वक्त जो है गाइड कर रही है, गाइड कर रही है अपने घर में जाने के लिए, अपने आपको गाइड कर रही है आपको सुखी होने के लिए, आपको गाइड कर रही है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो एक बार कनेक्शन जो है उस भीतर की वॉइस के साथ, जो भीतर की जो आपकी इंट्यूशन है, उस भीतर का जो जो आपका गुरु है, भीतर का जो आपका गॉड है, अगर आपका उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, तो फिर ये जो बाहर का जो शोर है आपके आसपास का, इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रबल यू एनी मोर। वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर अब एक जो है बहुत एक गहरी स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब आपकी लाइफ जो है निर्धारित होती है आपके भीतर के जीवन से। अब बाहर का शोर जो है वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने भीतर का जो पीस है उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। तो ये एक ऐसा कंपेनियन है जो हर वक्त आपके साथ रह सकता है, हर वक्त आपको गाइड कर सकता है, हर वक्त आपके लिए आपको सपोर्ट कर सकता है। आपकी लाइफ में चाहे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाए, अगर आप इस इनर वॉइस के साथ जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती जैसे पहले इफ़ेक्ट करती थी। इनर वॉइस के साथ जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। जब तक आपका संसार है, जब तक ये शरीर है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इज दैट देर विल बी डिस्टेंस। एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जो आपका जो टेंशन है, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो और आप, देर विल बी अ गैप बिटवीन यू एंड योर प्रॉब्लम्स। और गैप्स का यही मतलब हो गया कि नो मैटर वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड, आपका जो इनर वर्ल्ड है, जो आपकी जो अंदर की जो दुनिया है, वो इफ़ेक्ट नहीं होती अब, कि दैट यू आर नॉट रेडी टू गिव अप योर पीस बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ योर टेंशन और स्ट्रेस। कि नो मैटर वॉट, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप योर मेडिटेशन, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप योर इनोसेंस ऑफ योर हार्ट। और ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा संकल्प एक स्पिरिचुअल आदमी को अपने साथ जो है अपने भीतर एक अनकहा संकल्प अपने भीतर करना पड़ता है। और वो संकल्प यही है कि ही इज़ प्रोमिसिंग हिमसेल्फ दैट ही विल बी हैप्पी। वो अपने आप को वादा कर रहा है, वो अपने आप को जो है एक, वो अपने अंदर एक संकल्प ले रहा है कि नो मैटर वॉट दैट ही विल एवरी डे एवरी मोमेंट ही इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद हिज इनर हार्ट, विद हिज इनर वॉइस। बाहर चाहे जो मर्जी होता रहे, बाहर की सिचुएशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन हिज इनर पीस। ये एक तरह का संकल्प है जो आप अपने भीतर लेते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि जो आपका जो सुख है वो बाहर के ऊपर मैटर नहीं करेगा। बाहर अगर सब कुछ अच्छा है तो ही आपके भीतर अच्छा हो, अब ये चीज़ की जो है कंडीशन नहीं रह जाएगी। द कंडीशन विल बी नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़ आउटसाइड, इनसाइड यू हैव दिस कंट्रोल। कम से कम जो अगर हम भीतर की दुनिया की बात करें, अगर आपके इनर वर्ल्ड की बात करें, अगर आप इनर पीस की बात करें, दैट इज़ समथिंग विच यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, दैट इज़ समथिंग
विच यू हैव टू बी स्ट्रांग अबाउट. ये वो संकल्प है जो आपको अपने भीतर लेना है कि नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज फॉलो योर इनर वॉइस, यू विल ऑलवेज बी विद दैट इनर पीस. दैट इज़ वॉट द रियल मैसेज ऑफ इनर वॉइस इज. ओशो का जो मैसेज है जो इस कार्ड के थ्रू हमें आता है वो ये कि आप अपने भीतर जो है ये पहचान पाएँ कि आप आपके अंदर जो है दिस इज़ द ट्रुथ विच यू आर कैरिंग इनसाइड, दिस इज़ द गॉड विच इज़ कैरिंग इनसाइड ऑफ यू. और एक बार इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए कि दैट यू आर गॉड योर सेल्फ, दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस गॉड, दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बिगर यूनिवर्स. ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है आपके अंदर समाया हुआ है. वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देन थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट. जब आपको ये पता चलना शुरू होता है कि आपके भीतर जो है भगवान का वास है, तो चीज़ें वैसे ही नहीं रह जाएंगी. आपके भीतर अगर सच्चाई का वास है तो आपका जीवनचर्या जो है, जीवन जीने का जो तरीका है, दैट इज़ गोइंग टू चेंज. तो फिर उठ रहा है तो भगवान उठ रहा है, सो रहा है भगवान सो रहा है. अगर हर चीज़ के अंदर जो है अगर आप जो है भगवान को समर्पित करते हुए जाएंगे, योर लाइफ विल बिकम लाइक अ फ्लो, योर लाइफ विल बिकम लाइक योर लाइफ विल बिकम वेरी लाइट. आपकी ज़िंदगी बहुत लाइट हो जाएगी. और अभी वो भारी इसलिए भी है क्योंकि आप जो है आपको लगता है कि यू आर द वन हु हैज़ टू कैरी दिस वेट. आपको ये बोझा जो है अपने ऊपर लेके चलना है. लेकिन जो लाइफ का जो गहरा मैसेज है, जो ओशो का जो मैसेज है ओशो ज़ेन टैरो के थ्रू, कि कोई बोझा आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट डजंट मीन दैट कि आप दैट यू विल गिव अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दोगे. नहीं, ये मतलब नहीं है इसका. इसका सिंपली ये मतलब है कि दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट यू विल डू योर बेस्ट नो मैटर वॉट, बट एट द सेम टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट देर आर थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड. मैं इस बात को हिंदी में भी बोल देता हूँ कि आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं, जो आपका बेस्ट एफर्ट है, प्रयास है, वो आप करेंगे. और संसार में जितने अच्छे से आप जी सकते हैं जिएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है. रिजल्ट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड थिंक ऑफ. तो दोबारा से हम कृष्ण की बात पे आ जाते हैं. कृष्ण बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. दिस इज व्हाट द रियल मैसेज इज ऑफ द इनर वॉइस. सो योर होल लाइफ शुड बिकम अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक थैंक यू का एक अंदर से जो है, ऑलवेज यू शुड हैव दिस फीलिंग ऑफ थैंक यू इनसाइड ऑफ यू. और जितना आपके अंदर ये ग्रैटिट्यूड रहेगा, जितना आपके अंदर ये थैंक यू रहेगा कि इतना कुछ मिला है आपको, दैट यू हैव बीन गिवन सो मच, दैट दिस लाइफ हैज़ बीन गिवन टू यू, दिस इज़ अ गिफ्ट, दिस इज प्योरली ब्यूटिफुल गिफ्ट विच हैज़ बीन गिवन टू यू. एंड वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिचनेस ऑफ व्हाट लाइफ इज, आप लाइफ को जो है इस तरह से इग्नोर नहीं कर पाएंगे. देन एवरी डे विल बिकम स्पेशल, एवरी मोमेंट विल बिकम स्पेशल, योर टाइम विल बिकम स्पेशल. यू विल रियलाइज दैट यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर्स. यू विल रियलाइज दैट यू वॉन्ट टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट. और जब ऐसी स्थिति होती है तो हम अपने भीतर के उस हेवन को डिस्कवर करते हैं, उस स्वर्ग को डिस्कवर करते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर था. भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे नरक में नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम मुझे अगर नरक भी भेज दोगे, मेरा स्वर्ग मेरे साथ रहेगा. किस स्वर्ग की बात कर रहे हैं? वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं जो आपके भीतर ही है, जो आपकी खुद की जो है क्रिएशन है, जो आपकी खुद की चॉइस है. तो एक गलत आदमी को अगर आप सही जगह भी भेज दोगे, वहाँ पे भी वो गलत हो जाएगा. लेकिन अगर आप एक सही आदमी को गलत जगह भी भेज दोगे, वो अपना स्वर्ग वहाँ पे बना लेगा. तो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द कार्ड द इनर वॉइस. और मैं आप सभी को यही विश करता हूँ कि आप उस भीतर के स्वर्ग के साथ कनेक्ट करिए, उस भीतर के हेवन के साथ कनेक्ट करिए, और अपनी लाइफ को जो है वहाँ से निर्धारित करिए, अपनी लाइफ को वहाँ से जिए. एंड यू विल सी दैट लाइफ विल बिकम ब्लेसिंग, लाइफ विल गिव यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू विश फॉर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. नमस्ते.